नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत बहुत आगे बढ़ गया है। ऐसा सिर्फ हम नहीं बल्कि इंडियन साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट ने भी बताया है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बुनियादी अनुसंधान के मामले में भारत शीर्ष पे है। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि तकनीकी मामलों में भी भारत तीसरे स्थान पे आता है। आप इसका अंदाज़ा भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के बढ़ते हुए भारत से लगा सकते हैं। एक तरफ तकनीक के मामले में विकास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ शोध के कार्यों में भी इजाफा देखा गया है। साथ ही भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी विजन 2035 नाम से भारत सरकार द्वारा एक चार्ट भी तैयार की गई है, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, खाद्य और कृषि, जल, ऊर्जा, पर्यावरण इत्यादि जैसे 12 विभिन्न क्षेत्रों के तकनीक में इजाफा लाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने भी एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत बिहार सहित देश के 3 राज्यों में एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करवाया गया है। बिहार के साथ उत्तराखंड और असम में बुधवार से शुरू होने वाले इस सॉफ्टवेयर में वोटिंग सूची को ऑनलाइन नाम से जोड़ने और सुधारने का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को देश के सभी राज्यों में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में बिहार के मुख्य निर्वाचक अधिकारी श्रीनिवास का कहना है कि अब आम लोगों के लिए यह एक बहुत बेहतरीन सुविधा का साधन आ गया है, जिसके तहत आप आराम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी याचिका में सुधार भी पा सकते हैं। अब गलतियां ना के बराबर होंगी। आपको बता दें कि इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने की प्रक्रिया साल 2018 से हो रही। भारत सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर को 4 साल पहले ही लॉन्च किया जाना था, पर कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से इसे ठीक 4 साल के बाद कुछ बदलाव करके 2.0 वर्जन में लाया गया है। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले भारत के गोवा शहर में लॉन्च किया गया है। कहा जाता है कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसी कारण से इसे 1 नवंबर को इस सॉफ्टवेयर को गोवा में लॉन्च किया गया है। वहीं 9 नवंबर से इसे भारत के 3 अलग-अलग राज्यों में लॉन्च किया जाना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।